नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। केएसपी क्रिएशंस की तरफ से इस बार प्रोटीन रिच सांभर बनेगा। इसके लिए मैंने 6 तरह के चने लिए हैं, जैसे कि काला चना, हरा चना, हरा वटाना, सफ़ेद वटाना, हरी साबुत मूंग और सोयाबीन लिया है। आप कोई भी आपके मनपसंद के चने ले सकते हैं। इसे मैंने 8 घंटे के लिए भिगाया है। जब भी आप भिगाते हो तभी पानी ज़्यादा डालें, तभी चने अच्छे से भीगेंगे। 8 घंटे के बाद चने जो भिगाए हैं उसको अच्छे से 2-3 बार पानी डाल के धो लें, ताकि उसमें छिड़के हुई दवाई निकल जाए। उसके बाद प्रेशर कुकर में पानी डालकर इन चनों को डालें और नमक डालकर अच्छे से हिलाकर बाद में कुकर बंद कर ले और 20 मिनट के लिए इन चनों को पकने दें। इसके बीच एक मध्यम आकार का नींबू जितना इमली ले और उसे पानी में भिगाए। आप चाहे तो गर्म पानी में भी भिगा सकते हैं। 2 प्याज ले मध्यम आकार के और उसे काटकर तैयार रखें। और हमें 5 टीस्पून सांभर पाउडर लगेगा। 1 नारियल लगेगा मध्यम आकार का, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। जो इमली हमने भिगाई थी उसको आधा लीटर पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा आधा लीटर करके पानी डाल के अच्छे से उसका रस पूरा निकाल लें। निकाल के अलग से छान के रख लें। मैं यहाँ हाथ से छान रही हूँ, आप चाहे तो छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस को ऑन करके एक पतीली रख दें, जिसमें आप तेल डालेंगे 5 बड़े चम्मच। मैंने यहाँ तिल का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है। बाद में तड़के के लिए 1/2 चम्मच राई, 1/4 चम्मच मेथी दाना, कड़ी पत्ता जिससे खुशबू अच्छी आए, उसको तड़कने के लिए छोड़ दें। तड़कने के बाद जो प्याज हमने काट के रखे हैं वो भी डाल के अच्छे से भून लें। ये सब होगा मध्यम आंच पर। आंच को तेज़ ना रखें, नहीं तो आपका ये जो तड़का है वो जल जाएगा। प्याज ब्राउन होने तक रुके, बाद में इसमें जो हमने इमली का रस निकाल के रखा था वो डालें। इसमें आप सांभर पाउडर 5 टीस्पून लगभग डालें और नमक स्वादानुसार डालें। याद रहे कि हमने नमक चने में भी डाला है, तो यहाँ आप थोड़ा कम डालेंगे तो भी चल जाएगा। नमक डालने के बाद जो हमने चने पका के रखे हैं वो भी डाल लें। दोस्तों, यह वीडियो आप पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको यह विधि बराबर से याद नहीं रहेगी। अब कद्दूकस किया हुआ नारियल मिक्सर में डाल के पीस ले। पहले ही पानी ना डालें, पहले ऐसे ही पीस ले, बाद में थोड़ा थोड़ा डाल के पानी डालें। पानी थोड़ा डाल के महीन पीस ले। लगभग 15 मिनट तक सांभर को उबालने दे, ताकि अच्छे से कच्चे सांभर पाउडर का जो स्मेल है वो निकल जाए। अब उबलते हुए सांभर में ये नारियल जो हमने पीस के डाला है, पीस के रखा है, वो डाल दे। और लास्ट में उतारने के समय धनिया डाले, ताकि फ्लेवर अच्छे से आए। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक के बटन को ज़रूर दबाना।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बाजू में जो बेल बटन है उसे भी दबा देना, ताकि आपको मेरी डाली हुई वीडियो पहले ही नोटिफिकेशन में आ जाए। ये सांभर रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। अब इसको राइस के साथ आप खा सकते हैं या रोटी के साथ खा सकते हैं। आपके रिश्तेदारों को ये बनाकर खिलाएगा ज़रूर, ज़रूर उनको मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों ये देखने के लिए। मिलते हैं अगले एक मज़ेदार वीडियो में।